हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बिजी होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि ये समय जिंदगी सिर्फ इंसान कुछ दिनों कुछ पलों के लिए ही मिलता है। ये समझ लीजिए कि आखिरी दिन हमारा कब हो कुछ पता नहीं चलता, इसलिए हमको लाइफ को भी थोड़ा इंजॉय करना चाहिए। त्यौहार है उनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, मतलब थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए, दोस्तों से सबसे मिलना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि दीपावली में वैसा वर्ष गुजरात में 8 दिन तक चलता है, तो आज हमारा ये सिलसिला मतलब 8 दिन तक चलता ही रहेगा। तो आज मैं जा रही हूँ उनके मतलब अपने हस्बैंड के दोस्तों के यहाँ पे, और जो भी मतलब रिलेशन के लोग उनके साथ हम मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे। घर में काम तो है ही, लाइफ में और क्या है, बस काम काम, बस ऐसे जिंदगी त्यौहार आता है जिससे क्या होता है, लोगों को टाइम मिल जाता है तो एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, और थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में काम तो ऐसा ही है, कभी काम नहीं बोलेगी कि नहीं आज मत करो, घर में कर रहे हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो त्यौहार की वजह से क्या होता है कि थोड़ा अपने को भी एक दूसरे से मिलने के लिए मौका मिल जाता है। और यहाँ पर सच में यूपी गुजरात में तो मतलब 5 दिन तक तो हर कंपनी बहुत कम मतलब होगा ऑफिस ये सब चीज़ें बंद रहती हैं, जिससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे से जाकर मिल जाए, एक दूसरे लोग घर जाते हैं। जिस तरह से तो मैं भी आज जा ही रही हूँ, और बहुत सारे जगह जाना भी है, कल भी जाना है, तो मैंने सोचा पता नहीं टाइम मिले कि नहीं मिले, मैं सोचा आपसे भी बात कर लेती हूँ कि आप लोग कैसे हो। और मैं बता दूँ कि मैं भी अभी सुबह खाना वगैरह बना ही दिया था, और रात में थोड़ा सा पढ़ाई किया था, क्योंकि मेरे बेबी को घूमने चला गया था रात में 11 बजे आए, तो मैंने पढ़ाई कर लिया। तो पढ़ाई के मतलब घर में त्यौहार से पढ़ाई भी करना चाहिए, जिस तरह हम एक दूसरे से मतलब मिलने के लिए अपना टाइम निकाल लेते हैं, उस तरह से जिससे हमको क्या होता है कि घर में काम करना ही करना है, उसका टाइम फिक्स होता है कि आप कहीं भी जाओ, कहीं कुछ भी करो, घर में घर का काम करना ही है, वैसे हमको पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, उसको फिक्स करना पड़ता है कि जैसा भी जाओ कहीं भी जाओ लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही कल मैंने भी मतलब मैं कल नहीं गई थी, तो मेरा बेबी चला गया तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, तो मैंने आराम से पढ़ाई कर लिया था। और सुबह तो वैसे घर में काम झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना इसी में सब लगा हुआ था, और मैं देखो कितना बज रहा है, 1 बज रहा है और मैं निकल रही घर से। तो चलिए आपको भी मिलाऊँगी अपने दोस्तों से, कैसा लगता है आपको भी कैसा लगेगा, आप लोग भी ऐसे जाते थे और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और फिर हम मिलते हैं आपसे मतलब अगले वीडियो में, और इन्जॉय करेंगे लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।